आईटीबीपी का सीट है बिहार में। चल दोस्तों, मेल का भर्ती है 23,347, फीमेल का भर्ती है 2,700। आईटीबीपी का बात करें तो एससी का 18, एसटी का 1, ओबीसी का 30। जय श्री राम दोस्तों, वापस आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो पे। तो आज का वीडियो है बिहार एसएससी जीडी कटअप के बारे में। एसएससी जीडी का जो बिहार का कटअप है कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड यह वीडियो है। तो वीडियो में जरूर पूरा बने रहें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक दिन हम लोग भर्ती पे देख लेते हैं टोटल कितना भर्ती है। चल दोस्तों, मेल का भर्ती है 23,347, फीमेल का भर्ती है 2,799। टोटल भर्ती एस एस जी डी 2024 में 26,146। बात करते हैं टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ। 43 लाख टोटल फॉर्म फिल हुआ, जिसमें से एग्ज़ाम दिया 30 लाख लोग ने और अब्सेंट रहा 17 लाख लोग। और टोटल प्रेजेंट और री एग्ज़ाम, एक री एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 16,185 लोग ने री एग्ज़ाम दिया। तो ये दोस्तों, ये कटअप है आपका, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेट कैटेगरी वेस्ट बंगाल ऑफ वैकेंसी टू बी नोटिफाई फॉर द कॉन्स्टेबल मेल एग्ज़ाम 2024 एक्सक्लूडिंग नक्सल एंड बीजी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो दोस्तों, बिहार में नक्सल और बीजी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया का कितना सीट है, चलिए वो आपको बताते हैं। अगर बीएसएफ की बात करें तो एससी का सीट है 31, एसटी का 200, ओबीसी का 51, ईडब्ल्यूएस का 19 और यूआर मीन जनरल का 88 सीट है। टोटल दोस्तों सीट है 191। वही बात करते हैं सीएसएफ का, सीएसएफ का सीट आप देख सकते हैं एससी का सिक्स सीट है 67, एसटी का 4, ओबीसी का 114, ईडब्ल्यूएस का 42 और यूआर का 194। टोटल सीट है 421। वही सीआरपीएफ की बात करें तो एससी का सीट है 21, एसटी का सीट है 1, ओबीसी का 35, ईडब्ल्यूएस का 13, यूआर का 59। टोटल सीट है सीआरपीएफ में 129। एसएसबी का बात करें तो एससी में 3, एसटी का 1 भी सीट नहीं है, ओबीसी का 5 सीट, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, जनरल का 9 सीट। टोटल सीट है 19। आईटीबीपी की बात करें तो एससी का 18, एसटी का 1, ओबीसी का 30, ईडब्ल्यूएस का 11, जनरल का 51 और टोटल आईटीबीपी का सीट है बिहार में 111। वही असम राइफल की बात करें तो एससी का 5, एसटी का 0, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 3 और जनरल का 15। टोटल असम राइफल में सीट है 32। एसएसएफ का बात करें तो एससी का 1 भी नहीं, एसटी का भी 0, ओबीसी का 0, ईडब्ल्यूएस का 0, जनरल का 0 और टोटल 0। एसएसएफ का बिहार से नक्सल जी इफेक्टेड एरिया का एक भी एसएसएफ का सीट नहीं है और ना एनसीबी में सीट है। और टोटल सीट अगर देखा जाए तो एससी का सीट हो गया 145, एसटी का 8, ओबीसी का 244, ईडब्ल्यूएस का 90 और जनरल का 416। टोटल बिहार में नक्सल एंड बीजी अफेक्टेड एरिया का जो सीट है 903। तो दोस्तों, बिहार का एक कटअप जो कि फाइनल कटअप जो मैं बताने जा रहा हूँ ये रहा, जो जनरल का कटअप रहेगा 125 से 130, ओबीसी का रहेगा 119 से 124, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 115 से 120, एससी का रहेगा 105 से 110, एसटी का रहेगा 103 से 108। तो दोस्तों, यही रहा बिहार का कटअप। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।